आज अंजलि अपने डॉक्टर से हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पूछती है और डॉक्टर बताती है अंजलि, मां एवं भ्रूण संबंधी जटिलताओं यानी अबनॉर्मैलिटीज को कम करने के लिए नियमित जन पूर्व देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे और मां के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि गर्भावस्था के पहले और बाद में उसे पहचानने या इलाज नहीं किया गया हो, एक महिला गर्भवती होने की जब निर्णय करती है या सोचती है, तब ही यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस महिला को थायराइड की कमी के लिए यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आदर्श रूप से जांच किया जाना चाहिए। बच्चा पूरी तरह से मां की थायराइड हार्मोन पर निर्भर करता है, विशेषकर गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान। इसलिए यह मां पर एक अतिरिक्त तनाव डाल सकता है और आगे हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी की तरह ले जा सकता है, अगर इसको पहचानने में देर हुआ हो या ट्रीटमेंट देने में देर हुआ हो। अनुपचारित हाइपोथायरॉयडिज्म गर्भावस्था में मां के प्रतिकूल प्रभाव के साथ जुड़ा होता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात, पुनरावर्तक गर्भावस्था के नुकसान, एनीमिया, प्री एक्लैम्प्सिया, गर्भवती मधुमेह, भ्रूणों की समस्याओं के कारण सिजेरियन वर्ग में वृद्धि, प्रसवोत्तर रक्ताश्रव और शायद ही गंभीर मामलों में दिल की विहलता भी हो सकता है। शिशु में हाइपोथायरॉयडिज्म पूर्वकाल जन्म, अंतर गर्भाशय विकास प्रतिबंध यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और स्वास्थ्य संकट और जन्मजात मृत्यु में वृद्धि का परिणाम हो सकता है। नवजात शिशुओं में यह संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान और विकास संबंधी हानि की ओर भी ले जा सकता है। थायराइड हार्मोन भ्रूणों के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अंजलि पूछती है, डॉक्टर हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं? डॉक्टर उत्तर देते हैं, अंजलि, एक गर्भावस्था महिला में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसे थकान की शिकायत बहुत होती है और वजन घटने में उसे कठिन होता है और कब्ज हो सकता है और उसे बहुत ठंड भी लग सकता है। और अंजलि डॉक्टर से पूछती है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म पहचाना कैसा जाता है या उसके परीक्षा क्या होती है? तो डॉक्टर कहते हैं, अंजलि, हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच हार्मोन ज्यादा होता है और थायराइड हार्मोन कम होता है, तो टीएसएच के स्तर को देखकर एक महिला में हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं यह पहचाना जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? अमेरिका थायराइड एसोसिएशन गर्भवती महिलाओं जिनमें TSH 2.5 से अधिक है और जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं, उन्हें इलाज जरूरत मांगती है। वह यह भी सिफारिश करती है कि इन महिलाओं को प्रति 4 हफ्ते उनके सीरम TSH जो एक खून की परीक्षा है यह करते रहना है और उन पर निगरानी करनी चाहिए जब तक 20 सप्ताह पहुंचे। उसके बाद एक बार 26 से 32 सप्ताह में खून की परीक्षा फिर से किया जाना चाहिए। हाइपोथायराइड उपचार की पर्याप्तता है या नहीं इसे जानने के लिए इलाज शुरू करने के बाद 6 सप्ताह के बाद फिर से TSH टेस्ट को दोहराया जाता है और उसके स्तर को देखकर इसके हिसाब से दवा को समायोजित किया जाता है। और एक जरूरी बात, थायराइड की दवा भोजन से 1 से 2 घंटों के पहले या भोजन के 4 से 5 घंटों के बाद लेनी चाहिए और अपने प्रीनेटल विटामिन के साथ भी थायराइड दवाई नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे उसकी अवशोषण में हस्तक्षेप हो सकता है।
मेदह टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।